हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर ऑक्टेन ऑटो एक्सपो स्पेशल। और हम आपको बता रहे हैं i20 फेसलिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, फाइनली ये गाड़ी आ गई है एंड हियर इज द लुक। अगर आप इसका फ्रंट एंड देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक i20 जैसी लगती है बिकॉज इट्स अ फेसलिफ्ट। तो मेजर चेंजेस का जो है थोड़े बहुत चेंजेस फ्रंट पे किए हैं, रियर में ज़्यादा चेंज किए हैं, वहाँ हम आएंगे बहुत जल्द। फिलहाल स्टार्ट कीजिए विद द फ्रंट एंड ऑफ द कार। यहाँ आप देखेंगे एक अपग्रेड दिया है ग्रिल को। यहाँ पे आप हल्का सा आप ये देख सकते हैं कि एड ऑन दिए हैं यहाँ पे, और ये ग्रिल अब चेंज कर दी गई है पहले से। हेडलैम्प्स काफ़ी हद तक वैसे ही है, प्रोजेक्टर लाइट्स है, डे टाइम रनिंग LEDs है। साथ में आप यहाँ पे आपका साइड इंडिकेटर दिया हुआ है। ये फॉग लैंप्स का डिज़ाइन ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है बट इट हैज़ बीन मॉडिफाइड अ बिट। मेजर चेंज जो है इसका वो फ्रंट बम्पर का स्टाइलिंग है। देखिए यहाँ पे ऐसे कट्स दिए हुए हैं जो पहले नहीं था। यहाँ पे एक नीचे से प्लेट दिया हुआ है विच एक्चुअली लुक्स गुड। अब हम बढ़ते हैं टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस व्हीकल। साइड से ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थी। मेन चेंज हुए हैं अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो अब डायमंड कट है। इट लुक्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। इसके अलावा ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है गाड़ी के डिज़ाइन में बट द रियर एंड इज वेयर द मेजर चेंज हैज हैपेंड। और जैसे ही आप इसका रियर एंड देखेंगे इट डज लुक अ लॉट डिफरेंट। मैंने पहले बार देखा तो मुझे लगा ये ऑडी के टेल लैम्प्स हैं बट दीज आर हाउ इट इज़। इसे नीचे भी चेंजेस किए हुए हैं एंड दीज आर द चेंजेस अंडरनीथ एज वेल। पर यहीं हम नहीं रुकेंगे, हम आपको इंटीरियर बताएंगे इस गाड़ी का। एंड वंस वी स्टेप इनटू द कार आप देखेंगे इसमें ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं है। इट गेट्स द सेम इंटीरियर डैशबोर्ड, सब कुछ सेम है, स्टीयरिंग व्हील भी सेम है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। टच स्क्रीन सिस्टम भी वैसा ही है इस गाड़ी का और इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है। ये मैनुअल गियर बॉक्स सेम, सब कुछ सेम है। अगर आप इसका इंटीरियर देखेंगे स्टीयरिंग व्हील में भी कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम कार एज यू लुक एट इट। मैं आपको रियर दिखा दूँ इस गाड़ी का। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, अब पीछे आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है। सो एज आई टोल्ड यू ये फेसलिफ्ट गाड़ी है, हेंस इट विल नॉट सी अ मेजर चेंज इन इट्स डिज़ाइन। पीछे रियर एसी वेंट्स दिए हुए हैं, चार्जिंग सॉकेट नहीं है पीछे के पैसेंजर्स को। यहाँ पे आप अपनी बॉटल रख सकते हैं कंफर्टेबली। और ये कलर थोड़ा चेंज हुआ है पहले से, इट लुक्स अ लिटिल बिट मोर ऑन द डार्कर साइड। एंड दैट्स ऑल वी हैव इन दिस कार। कमिंग बैक टू द टॉपिक ट्रांसमिशन, इसमें क्या क्या है। इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन सेम वाला 5 स्पीड मैनुअल के साथ, और जो डीजल है वो 1.4 है विद 6 स्पीड मैनुअल। ऑटोमेटिक फ़िलहाल नहीं उपलब्ध कराया गया 1.4 पेट्रोल पर हमें उम्मीद है कि इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल पे CVT ऑफर कर दिया जाएगा, पर फिलहाल के लिए वो उपलब्ध नहीं कराया गया है। अब आप जानना चाहेंगे इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या है। बेस मॉडल की प्राइस चालू होती है एट 5.34 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, और जो टॉप एंड है वो है 9.15 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। अब इसमें कलर्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स तो सेम ही रहेंगे जैसे हमने आपको बताया, कलर्स के लिए आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। हम आप तक इसका डिटेल रिव्यू पहुंचाएंगे पोस्ट द एक्सपो, इसका रिव्यू करने वाले हैं हम बहुत जल्दी। सो यू डोंट हैव टू वेट टू लॉन्ग फॉर इट। हम हमेशा पहले रहे हैं एंड वी विल कंटिन्यू टू बी द फर्स्ट। अगर आप ये वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। That's all we have in this episode. Let's move on to the next stall, जहाँ हम आपको बताएंगे दूसरी गाड़ियों के बारे में। Take care guys, keep watching Motor Octane Auto Expo.